अगस्त 1947 से लगातार आजादी का उत्सव जो ये मनाया जा रहा है उसके बारे में जानिए। 26 जनवरी 1950 से लगातार हर साल 26 जनवरी मनाई जाती है। वो क्यों मनाई जाती है, 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, हम सब यहाँ क्यों एकत्रित होते हैं, इन सब बातों को आपको समझना चाहिए और आने वाली पीढ़ी अपने बच्चों को गीत गाने कहानी किस्से के भाषण के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में उनके कार्यक्रम कराने चाहिए। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों ने लड़कियों ने गीत गाने कहानी किस्से के माध्यम से अपनी बातें रखी है, उसी तरह से जहाँ भी जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़े उनको प्रेरित करें, गीत सिखाएं, महापुरुषों के देशभक्ति के गीत सुनाएं और सिखाएं, क्योंकि ये आज सीखेंगे तो कल के लिए कोई नेता बनेंगे, कोई मास्टर बनेंगे, कोई पुलिस बनेंगे, कोई अधिकारी बनेंगे, जब तक आप इनको प्रयास नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं बनेंगे। जिस तरह से आप कुछ नहीं बन पाए, अनपढ़ रह गए या पढ़े लिखे थोड़ा पढ़ करके और पढ़ाई बंद कर दी और आज कुछ नहीं है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को कुछ ना कुछ जरूर बनाइए, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सिखाइए जिस तरह से यहाँ सीखने का प्रेरणा का ये सीखने का स्थल है, ये सीख लेने का और हम लोगों को एक टॉर्च, यानी जिस तरह से हमें अंधेरे में टॉर्च की आवश्यकता होती है कि कोई जीव जंतु सर्प भिक्षु काट ना ले, उसी तरह से समाज में कोई न कोई महापुरुष होता है जो आपको बिना कुछ कहे, बाबा साहब खड़े हैं, प्रतिमा खड़ी है, लेकिन बिना कुछ कहे आप यहाँ आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि वो आपको अंधेरे में, इस उजाले में भी आपके अंदर जो अंधेरा है वो रोशनी दिखा रहे हैं, इशारे से बता रहे हैं कि जागो, उठो और आगे बढ़ो और समाज की तरक्की के लिए काम करो, समाज को एकजुट होने का काम करो। ये नहीं करोगे, जैसे हमने कहा शुरुआत में कि आजादी किस बात की, आजादी इस बात की कि हम भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, हमारा भी सम्मान होना चाहिए, हम भी इंसान हैं, किसी की गुलामी करते थे, करते रहे होंगे, लेकिन अब नहीं करने वाले, हम अपने सम्मान से समझौता नहीं करने वाले कि हैं कि हम मजदूरी भी करेंगे तो सम्मान से करेंगे और नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपनी मेहनत और खून पसीने से, कमाई से खाने जीने और कमाने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए हम अपने बच्चों को ये सम्मान सिखाएं कि यदि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ है तो आप आजादी को जानो कि कोई भी व्यक्ति किसी पे शासन नहीं कर सकता, उसकी इच्छा के खिलाफ काम नहीं करवा सकता, ये है आजादी। और 1947 से पूर्व ब्रिटिश शासन चलता था, लेकिन क्या हम आज भी आजाद हो पाए हैं, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या हम आज गरीबी से आजाद हो गए, क्या हम भेदभाव से आजाद हो गए, क्या हम छुआछूत से आजाद हो गए, क्या हम अशिक्षा से आजाद हो गए, हमें अभी बहुत कुछ करना है, हमारे महापुरुषों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को भी हजारों साल तक, सैकड़ों साल तक इसी तरह संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके हमारी आने वाली पीढ़ी बच पाएगी, सुरक्षित रह पाएगी। हमें तो नहीं लगता है कि ये पीढ़ी हमारी रही है, लेकिन अब आपको ठीक करना है, क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमा स्थापना इसीलिए कराई गई है कि आप आने वाली पीढ़ी को संभाल सके, नशे से दूर रखे और शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो इसी तरह दहाड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जो पिएगा वो निश्चित दहाड़ेगा। अपने बच्चों को कौन सा, तो अपने दूध पिला के बच्चे को पाला है, बढ़ाया है, बड़ा किया है, लेकिन एक दूध और पिलाना बाकी है, जो शिक्षा का दूध, यदि वो कक्षा पहली से प्रवेश लिया है तो उसकी शिक्षा में जरूर ध्यान दीजिए, वो उससे पढ़ते बनता है कि नहीं बनता, उससे काखागा बनता है कि नहीं बनता, सिर्फ एडमिशन करा दिया, फीस भर दिया, गाड़ी से भेज दिया, इससे काम चलने वाला नहीं है, उसकी निरंतर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। वो घर में आए तो होमवर्क मिला कि नहीं मिला, वो घर में आए तो कुछ सीखा कि नहीं सीखा, इस चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दे करके असली आजादी दी थी, ये तो आजादी ठीक है, अंग्रेजों को भगा दिया मार के और अपने हाथ में शासन सत्ता ले लिया, लेकिन 26 जनवरी 1950 का दिन नहीं आता, भारत का संविधान नहीं लागू होता तो ये आजादी किसी काम की नहीं होने वाली थी। और जब तक संविधान है तभी तक आजादी है, इसके बाद आप आजाद नहीं रहने वाले हैं। इसलिए मेरा कहना है कि अपने समाज से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, बच्चों से, बच्चियों से, कि अपने समाज को आजाद रखना है तो बाबा साहब के इशारे को समझना पड़ेगा और संविधान ही आपकी आजादी का मूल मंत्र है, यानी संविधान देश में लागू है
आपके बाबा साहब का बनाया संविधान जिंदा है तो आप जिंदा है, नहीं तो आप जिंदा नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ कुछ धर्म के नाम से कोई दूसरा रेस हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और भेदभाव पुनः से भारत देश में लाने के लिए, पुरानी जिंदगी लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, इसलिए हमको भी निरंतर प्रयास करना होगा। इसलिए कहना है कि मैं आजाद हूँ, आजाद हूँ, आजाद रहूंगा, मैं आजाद हूँ, आजाद हूँ, आजाद रहूंगा। यानी आप आजाद है तो आजाद रहिए, ये संकल्प लीजिए कि कभी किसी की गुलामी नहीं करेंगे। मैं आजाद हूँ, आजाद हूँ, आजाद रहूंगा, मैं आबाद हूँ, आबाद हूँ, आबाद रहूंगा। तुझे ना हिंदू कहूंगा ना मुसलमान कहूंगा, जो ना कहते हिंदू मुसलमान, किसी को मत कहिए, इंसान कहिए, तो तुझे हिंदू कहूंगा ना मुसलमान कहूंगा, आ तू इंसान है, इंसान है, इंसान कहूंगा, तू इंसान है, इंसान है, इंसान कहूंगा, मैं आजाद हूँ, आजाद हूँ, आजाद रहूंगा, ना जुल्म सहूंगा ना न्याय सहूंगा, मैं आजाद हूँ, आजाद हूँ, आजाद रहूंगा। हमें जुल्म और अन्याय सहने की आवश्यकता नहीं है, हमें इसी तरह से संगठित होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। और अपने महापुरुषों को याद करिए, उनके बताए हुए कदमों में जानिए, अपने महापुरुषों का नाम भी जानिए, बाबा साहब अम्बेडकर, संत गुरु रविदास, भगवान बुद्ध, बिरसा मुंडा, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, मान्यवर कांतीराम, यही आपके देवी देवता, यही आपके भगवान भगवती है, इन्हीं की पूजा अर्चना करिए, इन्हीं की तस्वीर घर में लगा, इन्हीं के सामने बर्तन धुलवाइए, बाकी सब भूल जाइए, क्योंकि बाकी सब काल्पनिक है, डराने के लिए, गुलाम बनाने के लिए सिर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं। आपके महापुरुष ही आपके सच्चे देवी देवता और आपके शुभ चिंतक रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद। अब मैं आदरणीय सरपंच साहब से आग्रह करूंगा, यदि कोई और विचार रखना चाहे तो मैं सरपंच साहब से आग्रह करूंगा कि वो सभा को संबोधित करके कार्यक्रम मौपन की घोषणा करें। धन्यवाद। हर वे उड़ी विराजमान है खेला ही जाता अपने समूह को मरण डाला।